राजकोट में अमित शाह ने रैली को किया संबोधित, बोले मोदी के तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। अमित शाह बोले लोकसभा चुनाव के दो चरणों के बाद यह साफ हो गया है कि जनता ने मोदी को एक बार फिर सत्ता में लाने का फैसला किया। सेकेंड फेज की वोटिंग को लेकर योगी का विरोधियों पर करारा अटैक, कहा अपनी हार से घबराया विपक्ष, देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। सीएम योगी ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग आज ईवीएम को नकार रहे हैं, ये वही लोग हैं जो बुलेट बैलेट लूटने का काम करते थे। सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, हाथरस की रैली में बोले कांग्रेस ने पहले देश को बांटा और अब आपकी संपत्ति को बांटने की साजिश। यूपी के औरैया में कांग्रेस और सपा गठबंधन पर सीएम योगी का अटैक, कहा देश को धोखा देने के लिए फिर हुआ है गठबंधन, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ जाति के हकों पर डकैती डालेंगे ये लोग। फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा नया भारत सिर्फ राम मंदिर नहीं बनाता, आतंकियों का राम नाम सत्य भी करता है। दिल्ली में सिख समुदाय के कई लोग बीजेपी में हुए शामिल, तरुण चुग और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा सिखों के लिए अगर किसी ने सही मायनों में काम किया है तो वो है पीएम मोदी। वलसाड में प्रियंका गांधी ने कहा पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा, 10 साल में सरकार ने बातें बड़ी बड़ी की लेकिन कुछ काम नहीं किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अयोध्या दर्शन की खबरों पर पुष्कर सिंह धामी का तंज, कहा हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए और अब चुनाव के समय रंग बदल रहे हैं भाई बहन। संजय निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, विपक्ष के लिए चुनाव में कुछ नहीं बचा, पूरा देश कह रहा है इस बार एनडीए 450 बार। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का पलटवार, कहा मोदी को ऐसी बातें बोलने की आदत, याचिका एक वकील की थी मेरी पार्टी की नहीं। पीएम मोदी के हमले पर खड़गे पर पलटवार, कहा हमारे घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना शर्म की बात, हमारे मैनिफेस्टो में सब कुछ गरीबों युवाओं किसानों महिलाओं के लिए। पीएम को लेकर दिए बयान पर हिमंता विश्व शर्मा के जवाब से भड़के खड़गे, कहा मैंने मोदी से बात की है सीएम से नहीं, मोदी मेरे प्रतिद्वंदी, हिमंता नहीं। तेजस्वी यादव के 400 पार की फिल्म फ्लॉप होने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, कहा उनके पिताजी 2019 में भी ऐसी ही बात कहते थे, बिहार के लोग अब इनसे छुटकारा चाहते हैं। वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव, अमृतपाल की मां ने किया कन्फर्म, बोले खंडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने घायल महिला को अपनी गाड़ी में पहुंचाया अस्पताल, जनसंपर्क कार्यक्रम में जाते समय घायल महिला पर पड़ी थी नजर। कोविड के समय मोदी ने बचाए हम सबकी जान, गुना में मध्य प्रदेश के सीएम बोले जब टीके लग रहे थे तब राहुल अखिलेश ने कहा था ये मोदी टीका है, बाद में चुपचाप खुद भी लगवा लिया। अमेठी रायबरेली के सवाल पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा थोड़े दिन रुकिए तस्वीर साफ हो जाएगी। असम के बरपेटा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा, बीजेपी पर जमकर बरसे, कहा देश लूटकर अमीरों को दे रहे हैं मोदी और अमित शाह। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगी चोट, हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय लगी चोट। सीएम ममता बनर्जी के मोदी सरकार पर हमले जारी, कहा दिल्ली से बीजेपी सरकार हटाएंगे तभी देश की रक्षा होगी। संदेश खाली में हुई छापेमारी पर भी भड़के ममता बनर्जी, का एनआईए सीबीआई एनएसजी सब आ गई जैसे युद्ध हो रहा हो। वाईएसआरसीपी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने जारी किया मैनिफेस्टो। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी में भारी मात्रा में सोना और चांदी बरामद, पुलिस ने 6,40,00,000 रुपये की कीमत का जब्त किया सोना चांदी। ओडिशा के अंगुल में धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी नेताओं के साथ की बैठक, बैठक के बाद प्रधान ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को परोसा भोजन। यूपी के प्रयागराज में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा, 30 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। चुनाव प्रचार में जुटे राहुल नार्वेकर, कहा अगर दक्षिण मुंबई से टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे, महायुति का उम्मीदवार ही जीतेगा। केंद्रीय मंत्री और मुंबई नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को किया चैलेंज, कहा हिम्मत है तो मेरे इलाके से या फिर बनारस से अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं राहुल। पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए प्रचार में जुटे महाआर्यमन, राजनीति में आने के सवाल पर बोले लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। एमपी के देवास में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का जबरदस्त स्वागत, लोगों ने गोद में उठाया। बिहार के खगड़िया की रैली में तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर अटैक, कहा चाचा 17 महीने साथ रहे, उन 17 महीने में हमने उन्हीं के हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाया जो इसे असंभव कहते थे। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, बोले इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है इसलिए डिप्रेशन में बीजेपी के लोग। कानपुर देहात में अखिलेश यादव ने किया रोड शो, जानबूझकर भर्ती परीक्षा के पेपर करवाए लीक। कन्नौज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी को बताया तानाशाह पार्टी, कहा वो किसी को नहीं छोड़ेगी।
हैदराबाद से AIMIM उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी की माधवी लता से है मुकाबला। 13 मई को हैदराबाद में डाले जाएंगे वोट। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बवाल। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बोली, चुनाव आयोग को तुरंत करनी चाहिए कार्रवाई। ओवैसी की पार्टी एक सांप्रदायिक आधारित पार्टी, बीजेपी के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का बयान। AIMIM नेता वारिस पठान का इंडी गठबंधन पर निशाना, कहा महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस पर भी बरसे वारिस पठान, कहा इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए पर हिस्सेदारी नहीं देंगे। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी वारिस पठान के सुर में सुर मिलाया, नसीम खान के बजाय वर्षा गायकवाड़ को टिकट दिया। नसीम खान की नाराजगी पर बोले उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, वो एक जिम्मेदार नेता, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे MBA को नुकसान हो। ईडी के आरोपों पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा बीजेपी से चारों गवाहों के संबंध। केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मनोज तिवारी, कहा केजरीवाल की जिद के कारण दिल्ली का नुकसान हो रहा, केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी, गोपाल राय ने वॉर रूम का किया उद्घाटन। आपके विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर दी जमानत, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए थे। जमानत मिलने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे आप विधायक अमानतुल्ला, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली में आपके कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब, वोट से अभियान चलाया, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाया अभियान। सुनीता केजरीवाल के प्रचार करने पर बीजेपी का तंज, कहा ये लालू के बाद राबड़ी देवी का CM बनना जैसा। दिल्ली में मेयर चुनाव टालने पर भड़की आप, बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतरे, पुलिस के साथ भी झड़प। साल में 2 बार CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर फैसला जल्द संभव, शिक्षा मंत्रालय ने अगले महीने बुलाई बैठक। मणिपुर के नारन सेना इलाके में कुकी उग्रवादियों का CRPF जवानों पर अटैक, हमले में 2 जवान शहीद। मणिपुर CM ने CRPF जवानों पर हुए हमले की निंदा, कहा शांति और स्थिरता बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन को कोर्ट से झटका, भूमि घोटाला मामले में जमानत देने से किया इनकार। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, हालांकि सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। संदेश खाली में स्थानीय लोगों से मिली CBI की टीम, जबरन जमीन हड़पने के मामले में की पूछताछ, ईमेल के जरिए CBI ने लोगों से मांगी थी शिकायत। संदेश खाली में हथियार मिलने पर गरमाई सियासत, TMC ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, CBI की छापेमारी टाइमिंग पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का शाहजहां शेख पर आरोप, बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाता था, पूरे देश में भेजता था। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मांग, TMC को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता निमाई दास के भाई घर पर विस्फोट, TMC बोली घर में रखे बम से हुआ धमाका। ममता बनर्जी की सरकार में बम धमाके, गोला बारूद आम बात, आतंकवादियों को भी यही मिलती है पना। संदेश खाली मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने ममता को घेरा। गुजरात ETS ने अवैध हथियारों के साथ 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 25 पिस्टल और 90 कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता ईश्वर साहू के बेटे भुवनेश्वर साहू मर्डर केस में CBI की एंट्री, FIR दर्ज कर शुरू की जांच। मध्य प्रदेश के मंडला में सड़क हादसा, मंडला जबलपुर मार्ग पर अनियंत्रित बस पलटी, हादसे में 20 लोग घायल। 4 धाम यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी डाली गई, कुल 2,200 बसें यात्रा पर जाएंगी, पहली बस यातायात कंपनी की। UP के इटावा में सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो अनियंत्रित होकर गिरा, 7 बच्चे समेत 9 घायल। प्रयागराज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। हैदराबाद में फोन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 सूडानी नागरिक समेत 17 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1.75 करोड़ रुपए के 703 स्मार्टफोन किए जब्त। त्रिची एयरपोर्ट पर दुबई से लौटे एक यात्री के पास से 70.58 लाख रुपए मूल्य का 977 ग्राम सोना बरामद, यात्री को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दूदू जिला कलेक्टर हनुमान मल डाका के यहां एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 25 लाख घूस मांगने के मामले में कार्रवाई। MP के जबलपुर में हिस्ट्री शीटर के यहां निगम की कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर शमीम खान के भाई सलीम खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल के सैन्य काफिले पर किया हमला, एयर स्ट्राइक में 1 शख्स की मौत, हमले का वीडियो भी किया जारी।
इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथी इस्लामिक समूह के एक अधिकारी को बनाया निशाना, आतंकी को मार गिराने का वीडियो किया जारी। यमन के सना में सड़क पर एकजुटता दिखाते हुए 10,000 लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में लगाए नारे। यूएस यूनिवर्सिटी में इसराइल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी किया इसराइल की आर्थिक मदद का विरोध। इसराइल ने गाजा पट्टी के राफा पर किए हवाई हमले, फिलिस्तीनी सीमा पर टैंक और सैन्य वाहनों से किया हमला, 4 बच्चों समेत 6 की मौत। हंगरी में प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, देश में मजबूत बाल संरक्षण प्रणाली और पीएम के इस्तीफे की रखी मांग। गाजा पट्टी पर हमास और इसराइल में जंग जारी, युद्ध के बीच यूएन ने आसमान से पहुंचाई मानवीय सहायता। नेब्रास्का में तेज तूफान ने मचाया कहर, सैकड़ों घर तबाह, राहत और बचाव कार्यों में जुटी रेस्क्यू टीम। पेरिस यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन, तेज पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प। फिलिस्तीन पर इसराइल के अटैक जारी, युद्ध में अब तक 34,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी, यूक्रेन को 6 बिलियन डॉलर की और अतिरिक्त मदद देगा अमेरिका। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, बोले पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन अभी भी युद्ध जीत सकता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई ताज़ा बर्फबारी, दिखा खूबसूरत नज़ारा। जम्मू कश्मीर के बांदोपोरा में के गुरेज में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी घाटी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ज़मीन धंसी, 50 से अधिक घर और बिजली ढांचा हुआ क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के रामबन से करीब 6 किलोमीटर दूर पैरनॉट में लगातार भूस्खलन से सड़कों और घरों में आई दरार, बिजली टावर को भी नुकसान। जमीन धंसने के बाद कई घरों में आई दरारें, गुल और रामबन के बीच सड़क संपर्क टूटा, कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। मुंबई में बीएमसी ने चलाया सफाई का विशेष अभियान, मुंबा देवी इलाके में चलाया गया अभियान। अयोध्या में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 95 बच्चों को किया रेस्क्यू, अवैध रूप से यूपी से बिहार ले जाए जा रहे थे बच्चे। नैनीताल के जंगल में लगी आग बुझाने में जुटी वायुसेना, MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव। नैनीताल के जंगलों में लगी आग पर एक्शन में उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री धामी ने हवाई सर्वे का कर लिया जायजा। तमिलनाडु के कल्ला कुरिची में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 15 लोग घायल। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक रिहायशी बिल्डिंग में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, 2 लोगों को मामूली चोट। बिहार के दरभंगा में शादी के घर में पसरा मातम, आतिशबाजी के कारण टेंट में लगी आग और एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। महाराष्ट्र के वडगांव में 36 लोगों को लेकर जा रही प्राइवेट टूरिस्ट बस में लगी आग, बस पूरी तरह जलकर राख, लेकिन किसी यात्री को कुछ नहीं हुआ। राजस्थान के अजमेर में मौलाना की हत्या, मोहम्मदी मस्जिद में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने पीट पीट कर ली जान, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्याज के निर्यात को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 मेट्रिक टन प्याज भेजी जाएगी।